और दिल्ली में कमलनाथ के निवास पर अंदर बैठक चल रही है, लेकिन बाहर सज्जन सिंह वर्मा से बंसल न्यूज ने खास बातचीत की, सुनिए जरा। सर आज क्या है सर, क्या समर्थकों की बैठक है यहाँ? नहीं नहीं नहीं, वही समर्थकों की बैठक होती तो हजारों लोग हैं दिखते। ये कुछ विषयों पे जो कल चर्चा रह गई थी उस पे अभी चर्चा है, और मैं समझता हूँ कि आधे पौन घंटे में चर्चा हो जाएगी और उसके बाद कमलनाथ जी खुद ही आपसे चर्चा करेंगे। तमाम विधायक जो है सर वो आ गए हैं। अब देखिए, मेरा अनुरोध है इसके बाद कमलनाथ जी, अभी हम लोगों की बैठक है, उसके बाद कमलनाथ जी खुद आके आपसे चर्चा करें। अयोध्या जाना चाहिए, उसमें क्या है, अयोध्या तो जाना ही है, अयोध्या तो जाना ही चाहिए। आप लोग भी जा रहे हैं क्या? सब जा रहे हैं सर? हम लोग जाएंगे बाद में। सर आज की बैठक में कहाँ कहाँ के नेता शामिल हो रहे? कहाँ कहाँ की, कहाँ कहाँ के नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो, विधायक भी आ रहे हैं क्या सर? रात को ऐसा कहा जाए? बात तो बार हो चुकी है, बातचीत तो हो गई है। अब मेरा अनुरोध है कि अब तक अभी बैठक के बाद जो मेरी चर्चा हुई, कमलनाथ जी खुद आप लोगों से चर्चा करेंगे। कमलनाथ जी ने अभी तक कुछ डिनाई नहीं किया है, आपको क्या? अब वो अब आके चर्चा करेंगे ना। विधायक की आवश्यकता इसमें नहीं है, जो आप समझते हैं कि जो लोग कमलनाथ जी भी आए और उन्होंने भी सज्जन वर्मा आशीष ना से मिले। कल भी आपकी बात हुई, आज भी बात हुई, आज सस्पेंस हो जाएगी? नहीं नहीं, सस्पेंस कोई देखिए, कभी कमलनाथ जी ने कहा ही नहीं, कुछ बिंदुओं पे चर्चा हो गई, वो खुद कमलनाथ जी आगे भी आपसे बात करेंगे। चलिए, तो कह रहे हैं कि आज कमलनाथ बात करने वाले खुद ही मीडिया के सामने। आप देखिए तस्वीरें, आप देखिएगा इस वक्त सज्जन वर्मा और तमाम सारे लीडर यहाँ पहुंचे हैं। मनोज राजानी नजर आ रहे हैं देवास से, सज्जन वर्मा है और पूर्व विधायक यहाँ नजर आ रहे हैं। देखिए दिल्ली में इस वक्त बंसल न्यूज की टीम मौजूद है और ये बड़ी खबर है, इस वक्त कमलनाथ के निवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त बैठक ले रहे हैं और जो उनके समर्थक विधायक हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा का नाम भी शामिल है। लेकिन आप गौर करिएगा कि सज्जन सिंह वर्मा ने ये कहा है मीडिया से बातचीत में कि थोड़ी ही देर में कमलनाथ बाहर आएंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे और उसके बाद आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कुछ विषयों पर चर्चा जारी है, हम अंदर बातचीत करेंगे और उसके बाद सब कुछ आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। ये बड़ी बात है। सज्जन सिंह वर्मा जिनके बयान, अलग अलग दिए गए बयान लगातार सस्पेंस को गहरा रहे थे, लेकिन अब जब बैठक में शामिल होने के लिए वो पहुंचे तो उन्होंने ये कहा कि थोड़ी देर में कमलनाथ मीडिया से चर्चा करेंगे। कुछ विषयों पे जो कल चर्चा रह गई थी उस पे अभी चर्चा है, और मैं समझता हूँ कि आगे बहुत माइक की जगह हो जाएगी और उसके बाद कमलनाथ जी खुद ही आपसे चर्चा करेंगे। तो तमाम विधायक जो हैं सर वो आ गए हैं? अब देखिए, मेरा अनुरोध है इसके बाद कमलनाथ जी, अभी हम लोगों की बैठक है, उसके बाद कमलनाथ जी खुद आके आपसे चर्चा करें। सर एक क्या ये कंफर्म है सर, अयोध्या जा रहे हैं कमलनाथ? जाना चाहिए, उसमें क्या है, अयोध्या तो जाना, कब जा रहे हैं सर? अयोध्या तो जाना ही चाहिए। तो आप लोग भी जा रहे हैं क्या है, कब जा रहे हैं सर? हम लोग जाएंगे बाद में। सर आज की बैठक में कहाँ कहाँ के नेता शामिल हो रहे हैं? सज्जन भाई कोई बात हुई है विधायक राहुल सोनिया से रात को, ऐसा कहा जा रहा है? बात तो सर थोड़ा पीछे, बातचीत तो हो गई है। अब मेरा अनुरोध है कि अब तक अभी बैठक के बाद जो मेरी चर्चा हुई, कमलनाथ जी खुद आप लोगों से चर्चा आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा। विधायक भी आ रहे हैं क्या मीटिंग में? सज्जन सिंह जी विधायक भी आ रहे हैं? विधायक कमलनाथ जी भी आए और उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया, आप भी कुछ उसी तरह से गोलमोल जवाब दे रहे हैं। चर्चा के बाद यहाँ आके फिर आप लोगों से चर्चा करें, आधा घंटे में नेगोशिएशन किससे?
आप लोग बातचीत करें, तीन दिन से दिग्विजय सिंह जी ने बातचीत की है कमलनाथ जी से। रोज करते हैं तो दो भाई भाई ठीक है। मत करना तो सज्जन सिंह वर्मा को आप सुन रहे थे, एक ही बात कहते हुए नजर आई कि बैठक चल रही है। बैठक के बाद कमलनाथ खुद मीडिया से मुखातिब होंगे और अपना बयान देंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक हमने देखा कमलनाथ कुछ साफ कहते हुए नजर नहीं आए। जब उनसे सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से ये अटकलें चल रही है क्या आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो कमलनाथ चुप नजर आए हैं। लेकिन अब बैठक के बाद देखने वाली बात होगी कमलनाथ किस तरीके से बयान देते हैं। लेकिन इसी पर बातचीत करने के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी दिल्ली से। बैठक के बाद जो संशय बरकरार है, संशय के बादल छटते हुए नजर आएंगे और कमलनाथ अपना रुख आज साफ कर सकते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है आज सारे बादल छटने वाले, ये बात अलग है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ को लेकर भी वही स्थितियां बनी हुई। सज्जन वर्मा जैसा अभी पहुंचे, उनके साथ मनोज राजानी है, देवास के जिलाध्यक्ष हैं। उससे पहले तमाम सारे नेता, कुछ छिंदवाड़ा के नेता भी यहाँ पहुंचे हैं, कुछ चंबल के नेता, पूर्व मंत्री भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो अब उनके साथ कमलनाथ जी की इस वक्त बैठक चल रही। बैठक में कमलनाथ के समर्थक जो खबरें आ रही है वो नहीं चाहते हैं कि अब ऐसा कुछ किया जाए, यानी यथावत बने रहे कमलनाथ जी, कांग्रेस को लेकर आगे बढ़े, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन बैठक के उपरांत तत्काल तमाम तरह की चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर कमलनाथ किस लाइन पर बढ़ने वाले। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा सज्जन वर्मा ने भी कहा, हम लगातार ये चला रहे हैं कि रात को सोनिया, प्रियंका और राहुल से बात हुई है कमलनाथ जी की, और उसके बाद आज स्थानीय नेता यानी मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ कमलनाथ की इस वक्त बैठक चल रही। बैठक जैसे ही खत्म होगी सज्जन वर्मा के मुताबिक, और लगातार बंसल न्यूज ये रात से कह रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मीडिया से बात कर सकते हैं, तो अनौपचारिक तौर पर वो बाहर आएंगे और मीडिया से बात कर तमाम तरह की चीजें बहुत स्पष्ट कर देंगे कि आखिर कमलनाथ की लाइन क्या रहने वाली। इसमें देरी जरूर हुई है, लेकिन वो उनके समर्थकों से पहले समझना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अब उनके मन में क्या है, कमलनाथ जी के मन में क्या है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां तक बात करें तो आज कोई ऐसी मुलाकात होगी जिसकी संभावना बहुत कम है। तो अब सारी गेंद जो है कमलनाथ के पाले में है। थोड़ी देर बाद, करीब आधे पौन घंटे बाद ये बैठक खत्म हो जाएगी, उसके बाद खुद कमलनाथ बाहर आएंगे और मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे कि आखिर वो क्या करने वाले, जाएंगे या रुकने वाले हैं। पर यह महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में वो तमाम तरह की चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व यानी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से बात हो चुकी है, स्थानीय नेता और मध्य प्रदेश के नेताओं से उनकी चर्चाएं चल रही है, जो उनके समर्थक वो यहाँ पहुंचे हैं, और आज कोई सस्पेंस नहीं रहेगा ऐसा दिखाई पड़ता है। जी मनोज जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि निर्णय क्या कमलनाथ जी का ही होगा, चर्चा भले ही वो विधायकों से इस वक्त कर रहे हो, अंदर भले ही विधायक अपनी राय रखें, लेकिन अंतिम निर्णय कमलनाथ को ही लेना है, या ये कहें कि विधायकों के निर्णय के साथ जाएंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि अंतिम निर्णय कमलनाथ को लेना है, लेकिन आप समझिएगा जया कि कल भी मैंने कहा था कि कमलनाथ के जाने पर पैच फंस गया। पैच कहां से फंसा? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। केंद्रीय नेतृत्व अभी नहीं चाहता कि कमलनाथ जी का आगमन बीजेपी में हो। हाँ, ये जरूर है, नकुलनाथ और प्रियानाथ को लेकर कुछ बातें चल रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब तमाम तरह की चीजों पर विराम लगने वाला, फिर भी हमें इंतजार करना चाहिए। तो पैच दोनों तरफ से, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की रजामंदी नहीं है, जैसे कहें ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, दूसरी तरफ कमलनाथ के समर्थक भी ये नहीं चाहते हैं। तो अब दोनों तरह से, और लेकिन महत्वपूर्ण ये है मनोज जी कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही होगी, क्या बातचीत हो रही होगी, क्या ये डिसीजन लिया जाएगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बात हो चुकी है तो अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, जहां हम हैं वहीं हमें उस पार्टी को आगे बढ़ाना है, या और भी विचार मंथन? फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, लेकिन ये बड़ी खबर है। और देखिए, बंसल न्यूज लगातार आपसे कह रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस खबर पर मोहर भी लगी है। थोड़ी देर बाद जब कमलनाथ के निवास के अंदर विधायकों की बैठक खत्म हो जाएगी तो कमलनाथ जी बाहर आएंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे, और इसी के साथ अब ये बहुत देर से दो घंटे के अंदर आप मान लीजिए कि जो तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब भी संभवतः हम सभी को मिल जाए। बिल्कुल, और बंसल न्यूज की खबर पर भी यहाँ पर मोहर लगती हुई नजर आई है। जिस तरीके से लगातार हम कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, थोड़ी ही देर में कमलनाथ मीडिया से मुखातिब होंगे, लेकिन ये स्थिति देर से दो घंटे में क्लियर हो जाएगी और पल पल का अपडेट बंसल न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा।